राजा रानी के रिश्ते में कौन सा नया मोड़ ला रहा है डॉक्टर मेहर। तुम और डॉक्टर? क्यों, यकीन नहीं हो रहा? तुम्हारी गली का सबसे आवारा लड़का इस देश का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन बन गया, इस बात को समझने में तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या कहा था तुमने? यही कहा था ना कि तुम जैसा आवारा आदमी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। मेरा गिरेबान पकड़ के कहा था ना तुमने कि जाओ पहले कुछ बन कर आओ फिर बात करेंगे। पर ये जो तू मेरे आगे पीछे घूमता रहता है ना, उससे अच्छा अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ बनो, नहीं तो जिंदगी भर अपने सड़क छाप सोच के साथ ना आवारे करते करते रहोगे। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लो बन गया डॉक्टर मिहिर दोषी, द बेस्ट इन द प्रोफेशन। यू हर्ड इट राइट रानी, डॉक्टर मिहिर दोषी, डॉक्टर मिहिर दोषी। और कुछ भी कहा था तुम? हाँ, यही ना कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, यही कहा था ना रानी तुमने? अब क्या कहोगी तुम? आज तुम्हारे अपने पति की जान मेरे हाथों में, क्या अब भी तुम यही बोलोगी कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? देखो मिहिर, ये सारी पुरानी बातें, आज मेरे पति के जान से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। वो गुजरा हुआ कल था और ये बिखरा हुआ आज है रानी तुम्हारे लिए। मिहिर, ये वो मीर नहीं है जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता था, बल्कि ये वो मीर है जो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। और क्या नहीं है मेरे पास, तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और एजुकेटेड है मेरी बीवी, तब किस्मत तुम्हारे साथ खड़ी थी और आज किस्मत मेरे साथ। तुम जानती हो रानी मेरी नजरों में तुम्हारी क्या हैसियत है, जानना चाहोगी तुम? मेरी नजरों में तुम अब सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट की पत्नी हो। यू आर जस्ट अ पेशेंट्स वाइफ। एक्सक्यूज मी, रानी ये तो अपना ये वही मीर है, ये करेगा राजा को ऑपरेशन। क्या मीर, मीर इतना बड़ा डॉक्टर बन गया? अरे ये तो अपने गले का धमाली था, तुमने तो इसको थप्पड़ भी मारा था और इंसल्ट भी किया था सबके सामने। रानी, रानी क्या तुम्हें लगता है कि
हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। देखिए आप लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें एंड स्टे काम। आई एम गोना डू माय बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैंने देखा था बहुत बहुत खून बह गया था मेरे बच्चे को। वंदा हाँ, ये डॉक्टर कहीं हमारे गली वाला वो धमाली मेहर तो नहीं? लग तो ऐसे ही रहा है, पर ये डॉक्टर कैसे बन गया? भाईलो, समझ में नहीं आ रहा कि हमें हमें मेहर पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। ये तो बचपन से ही इतना जुनूनी था। मैंने इसे जब बचपन में ना बोला था ना, तो इसने ये मोहल्ला छोड़कर चला गया था। और राजा की कंडीशन इतनी सीरियस है, वैसे हालत में मुझे नहीं लगता कि हमें मीर पर भरोसा करना चाहिए। पर रानी, रानी बात तो पुरानी है ना, और वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। मैं नहीं बदला क्या? रानी माना कि ये इंसान गलत हो सकता है, पर इतना नाम है इसका तो सोच कितनों की जान बचाई होगी इसने। भाईलू, बाहर जो उसने भिखारी के साथ किया और अभी थोड़ी देर पहले जो वार्ड बॉय के साथ किया ना, वो सब देख के मुझे नहीं लगता कि पहले वाला मिहिर बदला है। सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें राजा के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढना चाहिए। मिसेस रेशमिया, ये दवाइयां लेकर आ जाइए प्लीज। डॉक्टर मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूं। आर यू मिसेस रेशमिया? नो राइट? प्लीज ये दवाइयां जल्दी से लेकर आ जाइए, दो मिनट का वक्त है आपके पास, नहीं तो देर भी हो सकती है। ऐसे क्या देख रही हैं आप? आपका भगवान आकर आपके पति को नहीं बचाने वाला। इट्स गोइंग टू बी मी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जितनी देर करेंगे सर्जरी को उतना वक्त लगेगा और खतरा बढ़ता जाएगा, राइट? तो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं दवाई लेके आ जाऊंगी, लेकिन मुझे पहले राजा से मिलना है। मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। रानी, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना बेटा, जाके दवाई ले आ, कहीं देर ना हो जाए। 1:53 लेफ्ट।
सॉरी सॉरी भैया, ये दवाई दे दो, जल्दी देना, टाइम नहीं है मेरे पास। मैडम इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें तो दवा का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। क्या मिहिर ने आखिर ऐसा क्यों किया? पहलू, डॉक्टर कहाँ है? हाँ, और राजा ठीक है ना? मुझे मुझे मिलना है उससे। और रानी, राजा ठीक है बेटा, डॉक्टर ना, डॉक्टर मिहिर है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो हमारे राजा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ मम्मी प्लीज, पहले ये बताइए कि डॉक्टर है कहाँ? वो अंदर है, डॉक्टर मिहिर मेडिसिन ले आए थे इसलिए उन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिया है। क्या? मम्मी जी, मुझे एक बार राजा से मिलना है। अरे रानी क्या कर रही है? मुझे एक बार राजा से मिलना है, उसे देखना है एक बार। कोई है? दरवाजा खोलो। ऑपरेशन शुरू हो गया बेटा, क्या सब? बस एक मिनट मम्मी जी, मुझे शांत हो जाओ। कोई है? दरवाजा खोलो। ये आप क्या कर रही है मैडम? चिल्ला क्यों रही है? ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। सॉरी, मुझे एक बार राजा से मिलना है। मैं प्लीज, अंदर ऑपरेशन चालू है, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। एक बार मुझे बस 2 मिनट के लिए राजा को देखने दीजिए सिस्टर, प्लीज। देखिए मैडम, अगर आप यहाँ से हटी नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सिस्टर, मैं इसे समझाता हूँ। पहले इनको बताना, मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए राजा को देखना है बस। देखिए आप लोग ऐसे शोर मत मचाइए, वरना डॉक्टर साहब आप लोगों को बाहर निकलवा देंगे। नहीं 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 सिस्टर, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ रानी, तू इतनी परेशान क्यों है? काकी रहने दीजिए, वो टेंशन में है इसलिए। मम्मी जी पहलू समझाना, मुझे बस एक बार उसे देखना है अंदर, बस 1 मिनट के लिए मुझे उसे देखना है पहलू। रानी तू चल पहलू, तू रानी तू चल, 2 मिनट शांति से बैठा जा। अब बैठ जाइए, बैठिए। मुझे एक बार मिलना है राजा से पहलू, तो क्यों नहीं समझ रहा? मुझे बस एक बार उससे दे, तू मेरी बात सुन। बोल। मिहिर बिल्कुल नहीं बदला है, उसने मुझे प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवाई नहीं लिख कर दी थी। इसमें तो दवा का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। क्या? हाँ क्या? और ऐसे प्रिस्क्रिप्शन देकर मुझे भगाने का क्या मकसद हो सकता है? मिसेज रश्मिया, डॉक्टर साहब ने आपके लिए दिया। थप्पड़ का हिसाब पूरा नहीं हुआ रानी, मुझे भी उतना ही दर्द हुआ था जितना तुम्हें भी भागते हुए हुआ होगा। ये तो बस शुरुआत है, मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अब मनाओ अपने भगवान को। ये मिहिर का घिनौना बदला था, अब राजा की जान एक गलत इंसान के हाथों में है। ये
क्या कर रहे हो श्रीनाथ जी? अगर मेरे राजा को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मानती हूँ हमारा रिश्ता नोकझोंक वाला है, लेकिन राजा की वजह से तुम पर मेरा विश्वास और गहरा हुआ है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों दे रहे हो उसे इतनी तकलीफ? श्रीनाथ जी, इस वक्त उसे तुम्हारे मैजिक की जरूरत है। प्लीज उसकी रक्षा करो श्रीनाथ जी। जब तक राजा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं हाथ में दिया लिए एक पांव पर तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। सर्जरी हो गई है। एंड द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल। जय जय श्री नाथ जी, जय जय श्री नाथ।
अच्छी तरह से हो गई। डॉक्टर साहब, वो राजा की तबीयत कैसी है? जी, पेशेंट की हालत अब स्टेबल, टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन उनके ब्रेन में अभी भी एक क्लॉट है जिसके लिए एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये अपने भगवान को याद करना बंद कीजिए, ये शुक्र मनाइए कि मैंने सर्जरी टाइम से स्टार्ट कर दी। डॉक्टर सर, आप श्रीनाथ जी का रूप है, आपका एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सॉरी, लेकिन मैं भगवान में भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेशेंट को देखने आता जाता रहूंगा। आज फिर डॉक्टर मिहिर ने साबित कर दिया कि वो क्यों बेस्ट है। देखिए, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दूसरी सर्जरी के बाद मिस्टर राजा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू श्रीनाथ जी, थैंक यू, तुमने अपना मैजिक दिखाई दिया। कुछ नहीं होगा मेरे राजा को, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा।